साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास साइन एक्स के लिए मैंने क्या देखा यहाँ पर, साइन एक्स की वैल्यू साइन जीरो पर जीरो था और साइन 90 पर वन हो गया, मतलब साइन क्या कर रहा है, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो साइन की वैल्यू हमने इंक्रीज कराई जीरो से पाई बाय टू के लिए और ये वैल्यू कहां तक पहुंची, वन तक, ठीक है। देन इसके बाद हमने देखा यहाँ पर पाई बाय टू से पाई के लिए क्या हो रहा है, देखो पाई बाय टू से पाई के लिए क्या हो रहा है, साइन की वैल्यू वन से फिर से रिड्यूस करके जीरो हो रही है, ठीक है ना। यहाँ हम ऐसे भी देख रहे हैं कि देखो अगर मैं एक और ट्रायंगल इस तरीके से बनाता तो ये जो पार्ट है बेस कम होता जा रहा है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। मतलब साइन और कॉस एक तरीके से अलग अलग काम कर रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आकर क्या हुआ, अब साइन की वैल्यू रिड्यूस होनी शुरू हुई और कहां तक पहुंची, जीरो तक। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर ड्रॉ करी और ये हो गई हमारी पाई पर आकर जीरो। देन पाई से थ्री पाई बाय टू पर हमने देखा कि वैल्यू जीरो से माइनस वन गई है, That means increase तो करेगा but negative direction में, तो वो डिक्रीज ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू पहुंची कहां तक, माइनस वन तक, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी माइनस वन। अब थ्री पाई बाय टू से टू पाई के लिए हमने देखा तो ये वैल्यू माइनस वन से फिर जीरो पहुंच गई, ठीक है। तो ये वैल्यू जीरो पहुंच गई, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, जीरो से टू पाई यहाँ पर इंटरवल हमारा कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद क्या होगा, रोटेशन रिपीट हो गया बस, ठीक है ना। रोटेशन रिपीट होंगे तो मतलब ये ग्राफ क्या हो जाएगा, आगे फर्दर कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन में इस ग्राफ का बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ हम रोटेशन देखते हैं, अगर हम रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखते हैं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम एंगल्स को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करने लग जाए, ठीक है ना, तो हम एंगल को क्या लेंगे, नेगेटिव। मींस ये जो 270 डिग्री है वो माइनस 90 बन जाएगा, माइनस 180 हो जाएगा, माइनस 270 हो जाएगा और फिर माइनस 360 पर आ जाएगा, ठीक है ना, जब हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो ग्राफ था हमारा, आगे फर्दर भी देखें तो इसी तरीके से जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है एक्चुअल में वो क्या हो रहा है कि इसके जो डोमेन्स हैं वो तुम देखोगे हर वैल्यू पर डिफाइंड है, ठीक है ना। तो साइन एक्स वाले केस में fx is equals to sin x, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो यहाँ पर x की जो वैल्यूज है, x belongs to real number है, तो ये क्या होगा, इसके डोमेन्स होंगे, ठीक है। रेंज की बात करें तो हमें देख रहा है कि माइनस वन और वन के बीच में ही लाई कर रहा है, इससे एक्सीड नहीं करेगा। और वैसे भी पता है किसी ट्राइंगल के केस में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मैक्सिमम पी तक की जा सकती है ना, या कहते हैं पी की वैल्यू मैक्सिमम हाइपोटेन्यूज के बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारे पास जो रेंज होगी तो वाई की वैल्यू होगी तो क्या होगी हमारे पास, माइनस वन से लेके वन, ठीक है। अब हम कॉस वाले फंक्शन के ग्राफ के बारे में, तो कॉस फंक्शन के साथ क्या हुआ हमारे पास, कॉस वाले फंक्शन में क्या देखा कि इसकी वैल्यू जीरो पर वन थी, ठीक है ना, कॉस जीरो की वैल्यू वन थी और ये पाई बाय टू पर आकर क्या हुई है, जीरो हुई, ठीक है, पाई बाय टू पर आकर जीरो हुई है और फिर पाई पर जाकर वो माइनस वन हुई है, ठीक है ना। पाई पर जाकर ये माइनस वन हो गई, ये प्लस वन थी और फिर उसके बाद फर्दर हमने देखा कि ये वैल्यू जीरो को अप्रोच की कहां पर, थ्री पाई बाय टू पर, और टू पाई पर पहुंचते ही फिर से वन हो गए, ठीक है ना, टू पाई पर पहुंच गए। और उसके बाद क्या होगा, सिर्फ रिपीटेशन, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या होगा, आगे फर्दर इसी तरीके से कंटिन्यू हो जाएगा, यहां से भी ग्राफ इसी तरीके से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, यहां से अगर हमने देखा कि इस वाले फंक्शन के लिए भी जो डोमेन्स है वो सेम रहे क्योंकि ये हर एक्स की वैल्यू पर डिफाइंड था और जो रेंज रही वो क्या रही, माइनस वन से लेके वन तक रही क्योंकि इसकी वैल्यू भी माइनस वन से लेके वन तक ही लाई करेगी, ठीक है। तो ये हमारा किसका फंक्शन, कौन सा फंक्शन हो गया, साइन और कॉस वाला फंक्शन। अच्छा, इन वाले फंक्शन में देखने वाली एक और चीज है कि यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं कि जब हम इवन और ऑड फंक्शंस चेक कर रहे होते हैं तो हम उसको ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकली चेक करने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हम ये पहचान सकते हैं फंक्शन इवन है या नहीं है। कैसे पहचानेंगे, कि अगर कोई ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो हम कहेंगे वो फंक्शन इवन फंक्शन है, जैसे कि कॉस जो है वो कैसा है, इवन फंक्शन है। वेरिफिकेशन के लिए हम देख भी सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। और कॉस एक्स मैं अगर मैंने यहाँ पर f ऑफ माइनस एक्स कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ माइनस एक्स, जो कि क्या होता है, cos x के ही बराबर होता है। क्यों होता है cos x के बराबर, क्योंकि हम x क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर किया हुआ एंगल, माइनस x
इस बार डायरेक्शन में मेजर किया हुआ एंगल। तो हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं, देखो कि यहाँ पर साइन भी पॉजिटिव है और कॉस भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, साइन पॉजिटिव है कॉस पॉजिटिव है, और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, टेन एक्स की बात करें जो भी क्या होगा साइन अपॉन कॉस, कॉस एक्स की बात, कॉट एक्स की बात करें वो क्या होगा कॉस अपॉन साइन, ठीक है, फिर कोसेक एक्स की बात करें वन अपॉन साइन होगा, और सेक एक्स की बात करें तो वन अपॉन कॉस एक्स के बराबर होगा। तो क्योंकि साइन और कॉस पॉजिटिव है उनकी वजह से ये भी पॉजिटिव और इन दोनों का रेशियो भी पॉजिटिव, तो इस वजह से इस वाले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। इस वाले केस में हम कैसे ही आए, तो हमने क्या देखा कि भाई देखो साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव ही थी, है ना, मिनिमम जीरो तक ही तो गई, साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव थी लेकिन कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो गई। कॉस नेगेटिव होने की वजह से उसने क्या किया, खुद कॉस को नेगेटिव बनाया, उसने सेक को भी नेगेटिव बना दिया और टेन और कॉट के रेशियोज को भी नेगेटिव बना दिया। तो हमें क्या मिला कि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इस क्वाड्रेंट में जैसे ही आए तो हमने देखा साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हो गए, साइन कॉस नेगेटिव हो गए तो वो सेक और कोसेक को नेगेटिव कर देंगे, लेकिन टेन और कॉट जो भी साइन कॉस का रेशियोज है तो दोनों नेगेटिव का रेशियो पॉजिटिव बन गया। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर टेन और कॉट जो है वो कैसे हुए, पॉजिटिव हो गए। फिर हम यहाँ देखते हैं इस वाले पार्ट में हमने देखा कि अब क्या है, यहाँ पर साइन तो कैसा है, पॉजिटिव है, साइन कैसा है, यहाँ पर साइन, यहाँ पर साइन जो है हमारे पास कैसा हो गया, नेगेटिव, और कॉस कैसा हो गया हमारे पास, पॉजिटिव। तो अब साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव है तो सेक को पॉजिटिव बना देगा, साइन नेगेटिव होने की वजह से वो कोसेक को नेगेटिव बना देगा और टेन और कॉट के रेशियोज को भी नेगेटिव बना देगा। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। तो हम यहाँ पर एक वाली बात कर रहे थे कि कॉस ऑफ माइनस एक्स एक्चुअल में उसको इस क्वाड्रेंट में पहुंचा रहा है, और इस क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, जिसकी वजह से ये कॉस एक्स के इक्वल हो गया और ये फंक्शन कैसा हो गया, हमारा इवन फंक्शन हो गया। जबकि साइन के केस में अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आकर साइन नेगेटिव हो जाता है, तो उस फंक्शन को हम ऑड फंक्शन बोलते हैं यहां पर, ठीक है ना, क्लियर हो गई ये वाली बात। तो ये साइन और कॉस हो गए हमारे। अब हम बात करते हैं इनकी टेन एक्स की, ठीक है, देखो टेन एक्स वाले फंक्शन के साथ क्या हो रहा है, कैसे कर दूंगा आपको, ऊपर जाने पर साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, साइन जो है वो इंक्रीज कर रहा है और कॉस जो है वो डिक्रीज कर रहा है, क्या होगा, न्यूमरेटर के बढ़ने से इसकी वैल्यू बढ़ेगी और डिनोमिनेटर के घटने से भी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, दो इंक्रीज करने वाले फैक्टर आ रहे हैं, दैट मींस ये जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, बहुत तेजी से इंक्रीज होगा ये जो ग्राफ है, और ये कहां तक पहुंचेगा, कहां तक पहुंचेगा, ये 1 अपॉन 0 वाले पार्ट पर, दैट मींस इनफिनिट पर पहुंचने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो हमने देखा कि ये पाई बाय 2 पर क्या होता है, इनफिनिट पर अप्रोच कर रहा होता है, मैं यहां पर ऐसे भी कुछ बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हम यहां पर कहेंगे कि पाई बाय 2 की तरफ, पाई बाय 2 पर कहां पहुंचने की बात कर रहा है, इंफिनिटी पर पहुंचने की बात कर रहा है, लेकिन कभी इंफिनिटी पहुंचेगा नहीं, ठीक है ना, ये कभी इंफिनिटी पहुंचेगा नहीं। क्यों, क्या हुआ कि जैसे ही हमने इस क्वाड्रेंट को यहां से यहां चेंज किया, इस क्वाड्रेंट को यहां से यहां चेंज किया, तो टेन एकदम से पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर जो वैल्यू 1 अपॉन 0 थी, है ना, 0 एक्चुअल में 0.0000 समथिंग बन गई, इसकी बारे में बात हो रही थी, ठीक है ना, मतलब 10 रे टू द पावर एक तरीके से हम कह सकते हैं -11 या -21 इस तरीके की वैल्यू की बात हो रही होगी यहां पर, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही होगी लेकिन पॉजिटिव होगी, कहां पर, यहां पर इस क्वाड्रेंट में।
लेकिन वो जैसे ही इधर से इधर शिफ्ट हुआ तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, ठीक है ना, इंफिनिटी गई लेकिन नेगेटिव इंफिनिटी हो गई। मींस इस ग्राफ को एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में आने पर, टेन को एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट पे आने पर इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी से नेगेटिव इंफिनिटी पर जंप मारना पड़ता है, दैट मींस ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। जैसे ही पाई बाय 2 पर पाई बाय 2 से आगे गया तो ये माइनस इंफिनिटी से आता हुआ लगेगा और पाई पर आकर जीरो हो जाएगा। साफ देख रहे हो पाई पर आकर जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन जीरो हो गया, ठीक है ना, जीरो अपॉन माइनस वन जीरो हो गया, तो ये वैल्यू पाई पर आकर जीरो का अप्रोच कर जाएगी, ठीक है ना, ये पाई पर आकर जीरो का अप्रोच कर जाएगी। तो हम कहेंगे देखो पाई बाय 2 के इस तरफ पॉजिटिव इंफिनिटी, पाई बाय 2 के इस तरफ नेगेटिव इंफिनिटी है, तो हम कहते हैं कि पाई बाय 2 पर टेन की जो वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं होगी, मतलब जहां पर भी क्वाड्रेंट्स इंफिनिटी के केस में साइन चेंज करेंगे वहां पर वैल्यूज क्या होंगी डिफाइन नहीं हो पाएंगे। ऐसा ही हमें यहां पर भी मिला, यहां पर भी हमें कुछ ऐसा ही मिला, कैसे कि यहां पर तो 10 हमारा पॉजिटिव था लेकिन यहां पर आकर कैसा होगा 10 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ देखो, पाई से तो बेचारा आराम से जा रहा था, पाई वाले पार्ट में हमने देखा पाई से आगे बढ़ने पर क्या हो रहा था कि किस तरीके से वैल्यूज काम कर रही थी, साइन की वैल्यू क्या हो रही है जीरो से माइनस मतलब इंक्रीज हो रही है और इसकी वैल्यू क्या हो रही है कॉस की वैल्यू ये भी इंक्रीज हो रही है ना, माइनस वन से ये भी जीरो पर पहुंच रहा है ना, ये जो पार्ट है देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों वैल्यूज क्या हो रही है, ये वाली डिक्रीज हो रही है और ये इंक्रीज हो रही है, मतलब वैल्यू कैसे चल रही होगी फिर से इसी वाई वे में चल रही होगी आगे, ठीक है ना। 3π/2 पर पहुंचते ही क्या होगा, ये फिर से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा लेकिन 3π/2 पे जस्ट बाद ये क्या हो जाएगा 10 इस क्वाड्रेंट में जाकर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस इंफिनिटी से आता हुआ दिख रहा होगा और 2π पर आकर फिर से क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा यहां पर कि पाई बाय 2 वाले जो पार्ट है मींस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अगर हम देख रहे हैं तो ये जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है डिफाइन नहीं हो रहा, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये ग्राफ जो है वो डिफाइन नहीं हो रहा। तो वर्टिकल एक्सिस हमें कहां से मिलती है, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल से, ठीक है ना, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल से मिलती है। तो हम क्या कहेंगे कि जो इस फंक्शन के डोमेन्स हो गए वो क्या हो जाएंगे, आर माइनस 2n+1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये इस फंक्शन के डोमेन्स हो गए, ठीक है ना, कि ये 2n+1 पाई बाय 2 पर डिफाइन नहीं होगा, तो हमने इन वैल्यूज को सारे रियल नंबर में से माइनस कर दिया तो ये हमारे पास n के आ गए डोमेन्स आ गए। अब मैं अगर रेंज की बात करूं तो रेंज को हमें साफ देख लिया भाई माइनस इंफिनिटी से आ रही है और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रही है, तो रेंज क्या हो गई सारे रियल नंबर्स हो गए, ठीक है ना, रेंज क्या हो जाएगी इस केस में सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, इसके बाद आता है हमारा कॉट। देखो कॉट के केस में क्या होगा, कॉटेक्स के केस में हमने देखा बिल्कुल उसी तरीके से देखते हैं, पाई बाय 2 पाई 3π/2 और 2π, ठीक है, पाई बाय 2 पाई 3π/2 और 2π। अब देखो कॉट के केस में क्या हो रहा है, यहां पर कॉस जो है कितना है, स्टार्टिंग में कॉस को हमने देखा कि कॉस की वैल्यू 1 थी, साइन की वैल्यू 0 थी, मतलब वो 0 के पास में क्या होगा इंफिनिटी पर होगा, है ना, इंफिनिटी वाले पार्ट पर होगा 0 के पास जो है, ठीक है, लेकिन 0 से जस्ट इधर देखें मतलब थोड़ा सा पहले अगर हमने देखने की कोशिश करी तो वो नेगेटिव होगा, इसका मतलब नेगेटिव इंफिनिटी से, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, यहां से पाई बाय 2 पर पहुंच के क्या हो जाएगा, देखो 0.1 दैट इज 0 हो जाएगा, मतलब वो इंफिनिटी से आ रहा होगा और 0 के पास पहुंच रहा होगा, यहां 0 के पास पहुंच गया, ठीक है। फिर पाई बाय 2 से पाई की तरफ जब हम गए तो यहां पे आके कॉट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है, और क्या होने लगा, सेम काम हो रहा है भी यहां पर, तो ये क्या हुआ, यहां पर आकर इंफिनिटी की तरफ पहुंचा है, कौन सी वाली इंफिनिटी की तरफ, नेगेटिव वाली इंफिनिटी की तरफ पहुंचा है, क्योंकि यहां पर कॉट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव वाली इंफिनिटी की तरफ पहुंच रहा था ये, ठीक है, लेकिन पहुंच नहीं पाया, इंफिनिटी की तरफ ही चलता रहा, क्योंकि क्या हुआ इससे जैसे ही वो इधर से इधर जंप किया, इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में जंप किया, कॉट पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब उसे पॉजिटिव इंफिनिटी से आना था,
या तो वो नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ रहा था लेकिन जस्ट आगे से वो पॉजिटिव इंफिनिटी से आने लगा और थ्री पाई बाय टू पर आकर फिर से वो जीरो हुआ और टू पाई पर आकर वो फिर से सेम वे में इंफिनिटी तक चला। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो ग्राफ है वो इन वाले पॉइंट्स पर डिफाइन नहीं होगा क्योंकि कॉर्ड जो है अपने साइन जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट चेंज कर रहा है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट अपनी इंफिनिटी के साइन चेंज कर रहा है वो। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि ये जो वैल्यूज है जो यहाँ पर डोमेन्स होंगे वो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स पर डिफाइन नहीं होंगे। है ना, हम पाई बाय टू के इवन मल्टीपल की जगह हम सीधे सीधे क्या कह सकते हैं कि पाई के सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स पर ये डिफाइन नहीं होगा। तो हम कहेंगे इसके जो डोमेन्स हैं आर माइनस एन पाई हो जाएगा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे इसके डोमेन्स हो गए। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज हमें सामने दिख रही है माइनस इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक, दैट इज सारे रियल नंबर्स हैं इसके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेन और कॉट एक्स का ग्राफ। अब हम इसके बाद बात करेंगे सेक एक्स का और कोसेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, जीरो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ आया हमने लिया कोसेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो कोसेक एक्स की ग्राफ के बारे में बात करें तो टू साइन डॉट डॉट का चल रहा है। ठीक है, जब साइन जीरो था तो वो कहाँ होगा, इंफिनिटी पर। जब साइन जीरो था तो वो इंफिनिटी पर होगा और जब वो पाई बाय टू पर था तो वन अपॉन वन वन हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो वन के पास आ रहा होगा यहाँ। ठीक है ना, इस तरीके से हम वन वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से हम माइनस वन वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू और टू पाई। अब देखो क्या हुआ, वो पाई बाय टू पे बना रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, वो पाई बाय टू पे बना रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है। और फिर क्या हो रहा है, फिर से साइन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। साइन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो कोसेक की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो वो कोसेक इंक्रीज करने लगा और फिर से क्योंकि साइन जीरो हो गया तो पाई पर वो फिर से कहां पहुंच गया, इंफिनिटी पर पहुंच गया। ठीक है, फिर से वो इंफिनिटी वाले क्वाड्रेंट पहुंच गया। अब देखा उसका क्वाड्रेंट टर्न चेंज हो गया, तो क्वाड्रेंट टर्न चेंज होने की वजह से क्या हुआ, वो नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ से आने लगा। तो हमने देखा कि वो पाई पर नेगेटिव इंफिनिटी से आके और कहां तक जा रहा है, माइनस वन तक जा रहा है, तो पी पाई बाय टू पर कहां पहुंचा, माइनस वन पर पहुंचा। ठीक है, थ्री पाई बाय टू पर वो माइनस वन पर पहुंच गया। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने देखा टू पाई वाले केस में, टू पाई वाले केस में देखे कि साइन की वैल्यू अब क्या हो रही है, माइनस वन से छोटी होती जा रही है, जीरो पर पहुंच रही है जो वैल्यू है। ठीक है ना, तो क्या होगा, फिर से ये डिक्रीज करेगा नेगेटिव पार्ट में और ये इस तरीके से चला। ठीक है, अब हमें क्या देखा यहाँ पर, फिर वही वाली चीज हम देखेंगे कि ये जो पाई है पाई के मल्टीपल्स पर क्या हो रहा है, फिर से ये वैल्यूज डिफाइंड नहीं हो पा रही। इसका मतलब क्या हो गया, इसके डोमेन्स बिल्कुल वही होंगे जो कॉर्टेक्स के डोमेन्स हुआ करते थे। है ना, तो इसके डोमेन्स क्या हो गए हमारे पास, ये कौन है, एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स की बात हो रही है ना, तो इसकी वैल्यूज क्या हो गई, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, इसके डोमेन्स हो गए। अच्छा, इसकी रेंज में एक चेंज आया है, रेंज में क्या चेंज आया है कि हमने देखा मैंने ये जो वैल्यूज बनाई माइनस वन से वन के बीच में, ये उन वैल्यूज को कभी अप्रोच नहीं कर पाएगा, ये वन के ऊपर चलेगा और माइनस वन के नीचे चलेगा, कभी भी इस रेंज में नहीं आ पाएगा क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है ना वो। ये इसका मतलब क्या है, ये जो ग्राफ है वो साइन के ग्राफ के ऊपर ऊपर चलता है, ऊपर नीचे इस तरीके से, भाई साइन का ग्राफ एक होता है, तो देखो इसकी पीक के ऊपर इसका ग्राफ अपोजिट वे में आ गया, इसके पीक के ऊपर नीचे इसका ग्राफ अपोजिट वे में आ गया, तो साइन की पीक्स पर ऊपर नीचे चलेगा ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये कभी भी हम बोलेंगे आर माइनस माइनस वन टू वन के बीच में कभी नहीं पहुंच पाएगा, जो इसकी रेंज हो गई वो क्या हो गई, आर माइनस माइनस वन टू वन ओपन इंटरवल में, क्योंकि माइनस वन तो हो जाएगी और वन भी हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन इनके बीच में कभी ये वैल्यू लाई नहीं करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद आएगा हमारा सेक एक्स।
अब देखो जैसे ये ग्राफ जो है वो साइन एक्स के ऊपर मूव कर रहा था ऊपर नीचे, ऐसे ही sec x का ग्राफ किसके ऊपर नीचे मूव करेगा, cos x के ग्राफ के ऊपर नीचे मूव कर रहा होगा। तो अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना के देखने चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं,